एकदम भाई सब हमारे ट्रक में देखो स्पेशल फिश कड़ी एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो भाई नदी देखो पूरा एकदम पानी फुल हो गया नदी में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6। भाई यहाँ का मौसम एकदम ठंडा है दोस्तों। हम लोग हैं अभी बारकोट नदी पे और भाई यहाँ पे नदी है जो पूरा एकदम लबलबा के एकदम भर गया दोस्तों, देख सकते हैं भाई नदी पहले वो नदी है और इधर तो थोड़ा खाली जमीन था, इधर भी पूरा पानी से देखो भर गया है भाई साहब। तो देखो पूरा पानी से भाई भरा हुआ है नदी एकदम। और देखो दोस्तों हम लोग यहीं पे भाई मछली बिक रहा था वहाँ से, तो ताज़ा मछली एकदम ले लिए हैं। रोहू 180 रुपये किलो रोहू दिया दोस्तों, तो रोहू ले लिए हैं 2 किलो मछली। और जिया जी के दो दोस्त हैं और हमारे रिलेशन भी लगते हैं वो सब हैं, तो चलो मछली बना के खाया जाएगा दोस्तों। तो हमारी गाड़ी इधर ही खड़ा कर दिए थे तो मछली ले ही लिए हैं और आज हमारा दोस्तों यही खाना होगा। तो आज बढ़िया से एकदम मछली को फ्राई करके बनाया जाएगा और ठंडा मौसम भी है और आगे टोल टैक्स है वहीं पे रोक के बनाएंगे। तो चलो चलते हैं अब। तो दोस्तों तो गाइस देख सकते हैं मछली है जो किस तरीके से पकड़ते हैं सब वो देख रहे हैं एकदम बीच नदी में। वहाँ पे भाई नाव से मछली पकड़ा जा रहा है और हम लोग मछली ले लिए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब आगे जाके भाई बढ़िया एकदम बनाया जाएगा। तो पानी देख सकते हैं भाई नदी का कैसा है, हल्का मट्टी टाइप पे है। और अभी देखो तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं भाई मछली को गाड़ी के नीचे धो रहे हैं बढ़िया, और अभी बारिश हो रहा है भाई, तो चलो मछली को धो लेते हैं उसके बाद फिर मछली बनेगा। तो बुआरी मछली है तो यही आज बनेगा दोस्तों हमारे ट्रक में। तो देखो गाड़ी के अंदर टंकी भी लगा हुआ है, तो इसी पानी से मछली जो धो रहे हैं साफ करके धोएंगे इसको बढ़िया। दोस्तों मछली जो धो दिए हैं बढ़िया साफ करके, अब उसको दूसरे बर्तन में रख रहे हैं। तो बारिश हो रहा है अभी भाई, तो मछली को तो क्या बाहर ही धोते हैं क्योंकि भाई ऐसे केबिन में नहीं धो सकते हैं, अच्छा से धोना था बढ़िया से। तो चलो अब मछली को धो ही दिए हैं, अब सिर्फ इसको बनाना है। तो भाई एकदम ताज़ा मछली मिला था। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मछली जो नीचे से लेके आ गए हैं ऊपर धोधा के बढ़िया एकदम, इसके अंदर हल्दी मिक्स कर दिए हैं और चलो अब चलाते बनाते हैं बढ़िया एकदम। तो इधर देख सकते हो भाई तेल भी एकदम गर्म हो गया है, सरसों का तेल है, इसी में हम लोग तलेंगे बढ़िया मछली को। तो चलो तलते हैं भाई। और इधर देख सकते हैं जिया जी जो है मसाला तैयार कर रहे हैं, कूट रहे हैं मसाला। और इधर बिंटू जी हैं जो मछली को जो तल रहे हैं बढ़िया। तो हम दो गाड़ी एक साथ हो गए हैं, अब यहीं पे मछली बनाया जाएगा बढ़िया और यही आज हमारा खाना होगा दोस्तों सुबह का, मछली और चावल बनेगा। देख सकते हैं भाई एकदम देसी रोहू है और बुआरी है, दो मछली है इसमें मिक्स। तो रोहू क्या है दो ही मछली था बड़ा बड़ा और एक बुआरी लेना पड़ गया दोस्तों, तो यही बन रहा है हमारे ट्रक में आज। तो रोहू एकदम नदी का है, बिल्कुल एकदम देसी मछली। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं भाई मछली को एकदम बढ़िया से तल दिए हैं, तो रोहू मछली था और बुआरी मछली था, तो बढ़िया एकदम तल दिए हैं लाल करके। टमाटर इधर काट दिए दोस्तों, देख सकते हैं इधर फ़ोरन डाल के और मसाला वसाला भूज रहे अभी कढ़ाई में। तो दोस्तों हमारे कुकिंग मास्टर जो चेंज हो गए हैं, तो अभी है बिंटू सर, तो यही अभी खाना बना रहे हैं। तो दोस्तों बढ़िया एकदम देख सकते हैं भाई तरी जो भूज रहे हैं और इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए हैं। तो पीला सर तो हमारे पास नहीं था, तो ये दे दिए हैं पीला सर, तो इनको बोल दिए थे पहले फ़ोन करके पीला सर तो ले लीजिएगा, क्योंकि बिना पीला सरसों के क्या है मछली बढ़िया बनता नहीं है, सरसों डालना बहुत ज़रूरी है तभी मछली बेस्ट बनता है दोस्तों। तो एकदम बिहारी स्टाइल में मछली बन रहा है आज हमारे ट्रक में। तो चलो बनाते हैं बढ़िया। और इधर देख सकते हैं भाई सलाद के लिए खीरा भी रख लिए हैं। तो फाइनली दोस्तों हल्का नमक डाल दिए हैं मसाला के अंदर और चलो अब इसको भूज लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मसाला हल्का भूज दिए हैं, अब इसके अंदर एवरेस्ट मसाला था वो भी हल्का डाल दे रहे हैं। तो भाई स्पेशल फिश कड़ी बन रहा है हमारे ट्रक में आज, तो मेरे वीडियो का जो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलो अब इसको भी भूज देते हैं बढ़िया, नमक भी डाल ही दिए हैं, मसाला पूरा रेडी एकदम डाल दिए हैं सब कुछ।
टमाटर भी देखो हल्का गल गया है। तो फाइनली दोस्तों हमारे ट्रक में आज फिश करी बन रहा है। दोस्तों हम लोग ये टोल टैक्स पे रुके हुए हैं, तो देखो इनके गाड़ी से। दोस्तों ये बिस्किट, तो ये थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं जब तक खाना भी बन रहा है हमारा। और भाई स्पेशल फिश करी एकदम तैयार हो रहा है, मौसम भी एकदम ठंडा है, बढ़िया है, तो भाई खाने में बहुत मजा आएगा। भाई मसाला एकदम बढ़िया भून दिए हैं, अब इसके अंदर पानी डाला जा रहा है दोस्तों। तो जितना हमको तरी चाहिए उतना पानी डाल रहे हैं। तैयार होने में 10 मिनट लगेगा, बस इसको खोलने का देरी है, उबलने का देरी है, उसके बाद फिर जो मछली का पीस है वो डाला जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं पीस भी एकदम बढ़िया है, बड़ा बड़ा पीस है, देखो पीस जो बढ़िया है एकदम मछली का। दोस्तों देख सकते हैं भाई तरी एकदम तैयार हो गया है, उबलने लग गया है एकदम बढ़िया। तो इसके अंदर भाई मछली का जो पीस है वो डाला जा रहा है अभी, तो मछली का पीस डाल देंगे और फिर लास्ट में भाई धनिया का पत्ता डाला जाएगा, हरा धनिया का पत्ता है। तो देख सकते हैं भाई मछली बहुत ज़्यादा था, 2 किलो ले लिए थे, सस्ता मिला भाई इधर बिहार से, तो रेहू मिला एकदम जिंदा मछली 180 रुपये किलो, और बोवारी दोनों भाई 180 रुपये किलो था, एकदम ताज़ा मछली एकदम, यानी कि नदी के साइड में ही बेच रहा था दोस्तों, नदी में से एकदम तुरंत पकड़ के ही लाया था। तो चलो मछली का पीस डाल दिया है, अब इसको है जो ढक देते हैं थाली से, और उसके बाद फिर भाई इंतज़ार करते हैं 5-10 मिनट के अंदर, अब भाई हमारा मछली जो रेडी हो जाएगा। चलो ढक दिए हैं, देख सकते हैं भाई हमारे ट्रक में एकदम फिश कड़ी स्पेशल बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, और यही आज हमारा खाना होगा दोस्तों। देख सकते हैं इधर चावल भी भाई बनने वाला है, तो चावल लास्ट में बनाए थे, तो पहले फिश कड़ी बनाए थे हम लोग। तो चलो अब दोनों तैयार हो गया है, अब भाई खाना खाने का तैयारी है। तो फाइनली दोस्तों खाना एकदम रेडी हो गया था, तो चावल देखो निकाल दिए थाली में, और अभी भाई मछली जो निकाल रहे हैं बिंटू सर, तो चलो मछली भी निकाल रहे हैं बढ़िया। और ये देख रहे हैं भाई जो रेहू है उसका जो सिर है वो है, तो भाई इसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है, विटामिन है, तो यही खाएंगे आज दोस्तों। और पीस देखो एकदम साबुत साबुत है, और वो भी अब अपने थाली में निकालेंगे, और यही भाई आज हमारा खाना होगा। तो दोस्तों आज यानी कि भाई एक हफ्ता बाद हम लोग खाएंगे फिश कड़ी, क्योंकि भाई उधर मुंबई के साइड में फिश कड़ी यानी कि हम लोग नहीं बनाए थे, उधर अंडा बनाए थे, मुर्गा बनाए थे, तो आज यहाँ पे बना के और खाएंगे दोस्तों। तो चलो अब थाली में निकल गया है और अब खा लेते हैं। देख सकते हैं भाई यही खाना है आज, तो रेहू मछली था, देख रहे भाई पीस एकदम शानदार है, एकदम बढ़िया भूजे थे, तल दिए थे एकदम लाल करके। तो चलो यही खा के भाई चेक करा जाए कि कैसा लगता है खा के खाने में। तो एकदम देसी मछली था दोस्तों, एकदम नदी का और एकदम ताज़ा मछली भाई, तो कोलकाता में तो भाई बर्फ़ वाला मछली मिलता था, यहाँ पे भाई फिर देसी मछली मिला एकदम ताज़ा, एकदम नदी का मारा हुआ सुबह सुबह, तो यही ले लिए। रेट भी बहुत बढ़िया था दोस्तों, क्योंकि भाई उधर मंडी में जाओगे कोलकाता में उधर तो भाई मरा हुआ मछली मिलेगा और प्लस मिल गई वो मज़ा नहीं है जो इस मछली में मज़ा है। तो भाई टेस्ट एकदम बढ़िया बना है, मछली भी चेक कर लेते खाकर भाई, मछली एकदम शानदार लग रहा है, एकदम जो घर पे बनता है गांव में बिल्कुल वैसा स्वाद लग रहा है भाई। तो एकदम बढ़िया तले थे, बिखरा नहीं है पीस, यही हमारा खाना है दोस्तों। और मैं बहुत दिन से जिया जी को बोल भी रहा था कि मछली बनाएंगे, क्योंकि मुर्गा और अंडा तो खा ही रहे थे, मछली मेरे को ज़्यादा पसंद है और खसी का जो मीट है वो ज़्यादा पसंद है, मछली आज बन गया दोस्तों मेरा फेवरेट, यही खाऊंगा आज, यहीं पर सोएंगे, टोटेक के पास में गाड़ी लगा रखे हैं, और उसके बाद फिर शाम को निकला जाएगा, और यहाँ से 450 किलोमीटर और चलना है हमको, उसके बाद कोलकाता हम लोग पहुँच जाएंगे, माल खाली करेंगे वहाँ पे जाके। तो चलो खाना खा लेते हैं। ठीक है हम लोग स्पेशल फिश कड़ी खा के एकदम रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग सोएंगे, आज यही हमारा खाना हो गया दोस्तों। और इधर देख सकते हैं भाई इधर जो पिंटू सर हैं वो भी खाना पीना खा लिए हैं, वो भी सोएंगे और आराम करेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे बाद अब यहाँ से भाई निकला जाएगा, खाना पीना सुबह का हो ही गया हमारा, तो पंखा भी चला दिए बढ़िया, सोया जाएगा यहीं पे। तो चलो अब आराम कर लेते हैं।
हम लोग अभी निकल गए हैं टोल टैक्स से और खाना पीना बढ़िया खा पी के आराम भी कर लिए दो घंटा। तो दोस्तों बस वहाँ से निकले, थोड़ा सा आगे आए तो गुमटी था, चाय का थड़ी था, तो यहाँ पे केला लिए हम भाई, देख सकते हैं हरा केला है और मीठा दोस्तों, तो 60 रुपये दर्जन दिया केला, मेरा बढ़िया है दोस्तों, और हरा है जो केला है, जो हरा है देख सकते हैं केली में। और जैसे देखो अभी गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी अभी खाएंगे थोड़ा देरी बाद, तो चलो केला खा लेते हैं और कुछ ही देर में 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो रात फिर देखते हैं कि शाम को आज कुछ बनाते हैं गाड़ी में या फिर ढाबा पे खाते हैं, तो वो भी 2-3 घंटे बाद यानी कि रात 9 बजे तक पता चलेगा दोस्तों। तो गाइस 400 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है हमको कोलकाता के लिए, और आगे भाई जसीपुर का जाम है और अभी से पता चल रहा है कि जाम है, तो देखते हैं क्या होता है, वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा जाम ज़्यादा है कि कम है। हम लोग अभी काजी पानी घाट से नीचे उतर रहे हैं और देख सकते हैं भाई इधर देखो सिटी कैसा है, एकदम पूरा रात में लाइट ही लाइट दिख रहा है दोस्तों। तो अब नीचे उतरेंगे, उसके बाद फिर खाना पीना खाया जाएगा। तो गाइस हम लोग अभी ढाबा पे रोक दिए थे जय जी गाड़ी और यहीं पे खाना पीना खा रहे हैं। तो भिड़ी का भुजिया है, दही ले लिए हैं, रोटी है, अचार है, सलाद है, चलो खाना खा लेते हैं बढ़िया। हम लोग कल रात को बिसोई में ही रुक गए थे और वहीं पे खाना पीना खा के सो गए थे, तो रात को 11 बजे सोए थे दोस्तों खाना पीना खा के। फिर उसके बाद सोचे थे कि 2-3 घंटा बाद चलेंगे, तो गाड़ी में तेल चेक किए तो तेल नहीं था, तो फिर सुबह तक का इंतज़ार करे और फिर सुबह गाड़ी मालिक को फ़ोन किए और फिर तेल मिल गया हमको। तो दोस्तों बिसोई से हम लोग अभी निकल गए हैं। दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग वीडियो, ये मेरे ब्लॉग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और अगर यूट्यूब चैनल पे आप अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आपको मेरा वीडियो जो कैसा लगता है, सही लगता है, ख़राब लगता है, वो मेरे को मेरे वीडियो पे जो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। तो अपन जल्दी अगले नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।